मोदी सरकार के दूसरे पारी की संसदीय परीक्षा आज से शुरू हो गई। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत नव निर्वाचित सांसदों की शपथ के साथ हुई। सबसे पहले आए नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सदन के मुखिया के रूप में शपथ ली, और उसके बाद राजनाथ सिंह, फिर अमित शाह ने सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। जब मोदी शपथ लेने आए तो पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। हर तरफ बस एक ही नाम, मोदी मोदी मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने पूरे सदन में घूमकर सभी का अभिवादन किया। इस लोकसभा में भाजपा के कई नव निर्वाचित सांसद हैं जो पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं, और इनमें सनी देओल, रवि किशन और तेजस्वी सूर्या भी शामिल हैं, जो संसद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने पहुंचे। कानून मूलक स्थापितवाद भारत संविधान के सत्य श्रद्धेयन्नु निष्ठेयन्नु ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು भारत सार्वभौम। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस सत्र में बजट के अलावा अन्य अटके हुए विधेयकों को भी पास करा सके। 3 तलाक बिल समेत कई विधेयक पास कराने की चुनौती है। 17 जून से शुरू होकर ये सत्र 26 जुलाई तक जारी रहेगा, तो वहीं 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा।